सो गाइस, क्या आपको पता है बोल्ट की स्टीलिंग प्रो आ चुकी है? यस गाइस, आपने इसे सुना, सेल पे है, आप जाके ग्रैब कर सकते हैं। और लुक और फील इस तरीके से देखने को मिलेगा, 1.43 इंचेस की सबसे तगड़ी डिस्प्ले है, मतलब 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे ये एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और बेजल्स आपको ऑलमोस्ट मिनिमल मिलेंगे, मतलब एकदम, क्योंकि ऊपर की साइड रिंग है, ऑब्वियसली बात है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉपरली कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एकदम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है ना, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 85-86% तक का मिल जाएगा, ठीक है। चेन वाला स्ट्रैप गाइस, और प्राइसिंग पता है क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, सिर्फ आपको 2500 रुपये की प्राइस बैकेट मिल रही है ऑन फ्लिपकार्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके ग्रैब कर सकते हो। दो कलर शेड्स हैं, एक सिल्वर और एक ब्लैक। ब्लैक वाला इस तरीके से देखने में लगेगा आपको, ठीक है। उसी के साथ साथ अदर फीचर्स की बात करते हैं, सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको वॉच बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वैसे 2500 रुपये में बहुत ही अच्छी डील बन जाती है, बट फीचर्स को जानते हुए हम चेक करते हैं क्या ये वॉच वर्थ है या नहीं है, ठीक है। वैसे अगर चैनल पे आई गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। सो गाइस, यहाँ पे अगर हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, उससे पहले थोड़े से फीचर जान लो इसके। यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है, जो यहाँ पे मिलती है IP68 की रेटिंग मिलती है, 1.43 इंचेस की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है, 150 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉचेस मिल जाते हैं, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.3 लेटेस्ट दिया गया है इसके अंदर, और वर्किंग क्राउन देखने को मिलता है इसमें आपको। साथ ही में यहाँ पे आपको हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, हार्ट बीट, SP2000 मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है, मल्टीपल स्ट्रैप ऑप्शन, 22mm आफ्टर मार्केट के इसमें स्ट्रैप लगा पाओगे, रगेड बिल्ड क्वालिटी है, और ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की बात में करो, सबसे पहला तो पॉजिटिव पॉइंट है इसका जो प्राइसिंग है, मतलब कमाल कर दिया बोल्ट ने, 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आपको वो चीज़ दे रहा है जो मतलब अदर ब्रांड प्रोवाइड ही नहीं करते। अगर आप 2500 रुपये में नॉइस का देखोगे, बोल्ट का देखोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कोई इस तरीके की वॉच दे दें, ठीक है। नॉइस की फोर्स प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ 3000 रुपये मिल रही है ना, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है। और गाइस, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 125 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 2375 रुपये तक की पड़ जाती है वॉच, ठीक है। तो इस तरीके से मिल जाती है, और फर्स्ट इसका पॉजिटिव पॉइंट। सेकंड इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। यस, ये काफ़ी तगड़ी बात है कि एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है इसमें आपको, और यहाँ पे पिक्सल साइज भी 466 का है, और साथ ही में यहाँ पे पीक ब्राइटनेस 800 निट्स की मिल जाती है, तो पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी कमाल की मिलती है इसमें आपको। और उसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एकदम बहुत ही तगड़ा दिया गया, मतलब स्क्रीन कोने तक खींची गई है, और ब्लैक बॉर्डर बहुत ही मिनिमल है इसमें, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें थर्ड पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या है, थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है इसका क्राउन की वर्किंग। यस, बहुत सारी वॉचेस में इस बजट में क्राउन की वर्किंग नहीं मिलता है, वैसे नॉइज़ नहीं देता है खासकर, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, और अगर होता भी क्राउन की वर्किंग तो एमोलेड डिस्प्ले नहीं होती है, तो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले भी है, क्राउन की वर्किंग है, तो यहाँ पे थर्ड इसका पॉजिटिव पॉइंट आता है। फोर्थ इसका पॉजिटिव पॉइंट की बात मैं करूँ यहाँ पे, तो IP68 रेटिंग दी गई है, तो मैक्सिमम वॉचेस में IP67 ही देती है कंपनी, आजकल 80% वॉचेस में IP67 ही आ रहा है, बट यहाँ पे आपको IP68 मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। फिफ्थ का इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या हो जाता है, फिफ्थ इसका पॉजिटिव पॉइंट है ब्लूटूथ वर्जन जो है लेटेस्ट दिया गया है। मैक्सिमम वॉचेस में आप मार्केट में देखोगे 5.1-5.0 देते हैं, बट यहाँ पे आपको 5.3 दिया गया है, तो ये बहुत ही तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे सिक्स्थ इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सिक्स्थ इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब इसमें आपको चेन वाला स्ट्रैप भी इनबिल्ट मिल रहा है, मतलब वॉच में ही लगा के दे रहे हैं। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको क्या मिलता है, अलग से लेना पड़ता है, ठीक है, या तो वॉच मिलेगी स्ट्रैप के साथ स्टील वाले, बट एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगी उसके अंदर, तो कॉस्ट कटिंग बहुत करते हैं, बट यहाँ पे बोल्ट ने ये चीज़ में प्रोवाइड कर दी आपको, और ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। छः इसके पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। अब गए इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है, छः तो इसको पॉजिटिव पॉइंट हो गए। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, सबसे पहला ये वॉच आपके लास्ट मीडियम इसके लिए ठीक है, थिनेस्ट वाले बिल्कुल भी इसकी तरफ देखे बिना आँख बंद कर लें, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी आपके हाथों पे, बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी। स्किन रिस्ट वाले, थिन रिस्ट वाले, वो सब इस वॉच को ना ही लें, ठीक है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि इसमें आपको गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता नहीं है, मतलब कहीं भी यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, और ना ही कंपनी आपको दे रही है, गेम्स कैलकुलेटर नहीं मिलते इसमें। थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें वॉइस असिस्टेंट कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलेगा, तो गाइस अभी तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट अनबॉक्सिंग में आपको बता पाऊंगा। वैसे वॉइस असिस्टेंट आप ना ही मानो अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। फोर्थ इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, फोर्थ इसका नेगेटिव पॉइंट तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है इसके अलावा, तो
तो यस गैस, तीन ही इसके नेगेटिव पॉइंट आते हैं, छह इसके पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। तो गैस पॉजिटिव पॉइंट हावी आते हैं नेगेटिव पॉइंट पे, ठीक है। बेस्ट बैलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप ग्रैब कर पाओगे इस वॉच को। अदर फीचर्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, टॉर्च लाइट और 22mm आफ्टर मार्केट का आप इसमें स्ट्रैप लगा पाओगे, कोई भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे डिटेलिंग काफ़ी काफ़ी अच्छी है। TPU प्लस इसमें जो एल्यूमिनियम केसिंग दी गई है, इसमें मेटल का यूज़ किया गया, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मतलब जनरली इन सब प्राइस की वॉचेस में जो रगेड वॉचें होती है उसमें हार्ड प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया था, बट यहाँ पे जो हार्ड प्लास्टिक भी है साथ में एल्युमिनियम केसिंग भी इसमें यूज़ करी गई है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ की है बोल्ट ने, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, 2500 रुपये में डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी वॉच बन जाती है। और अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इस वॉच का, स्टे ट्यून्ड रहिएगा हमारे चैनल पे, सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग मिलेगा आपको। और बेस्ट वैल्यू तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप जाके ग्रैब कर सकते हैं। दो कलर शेड्स हैं जिसमें मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ब्लैक और एक ग्रे कलर की मिल जाती है, ब्लैक एंड सिल्वर बेसिकली, तो आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे को पर्सनली यहाँ पे सिल्वर कलर ज़्यादा बेटर लगा ब्लैक से, बट ब्लैक भी अच्छा है, ब्लैक भी बॉयज़ के लिए है और सिल्वर भी बॉयज़ के लिए बन जाता है, मतलब मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो। एंड मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।